बात करने वाली हूँ फैशन क्लोथिंग हैक के बारे में। कोई भी फेस्टिव सीजन हो, कोई भी त्यौहार हो, नए कपड़े पहनते हो, स्टाइलिश दिखना चाहते हो, तो आपके कपड़े ना थोड़ी दिक्कत आपको दे जाते हैं। कभी गला डीप हो जाता है, कभी फिटिंग नहीं आता है, तो कभी कुछ तब कुछ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी ना जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा वाला हैक आपको कौन सा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर ऐसा होता है ना कि आपकी जो फेवरेट ड्रेस होती है वो आप पहन नहीं पाते हो, नेक बहुत ज्यादा डीप होता है। तो इसके लिए दो हैक्स हैं। हैक नंबर वन, कोई सा भी टॉप हो, क्रॉप टॉप हो या जैकेट भी हो, आप उसको रिवर्स करके पहन सकते हो। जी हाँ, जैकेट को भी एक बार रिवर्स करके पहन के देखना, अलग ही लुक आता है। तो अगर आप किसी, जैसे ये वाला मेरा क्रॉप टॉप है, बहुत ज्यादा डीप है, मैं इसको पहन ही नहीं पा रही थी, तो फिर मुझे अपना डीआईवाई याद आया, मैंने अपने कपड़े को उल्टा पहन लिया, मतलब जो आगे था उसको पीछे, जो पीछे था उसको आगे कर लिया। तो इस तरीके से मेरा जो डीप नेक था वो डीप नेक अब नहीं रहा और मैं कंफर्टेबली इसको पहन सकती हूँ। तो आगे से कुछ नहीं दिखेगा और पीछे से जितना दिखेगा उतने ज्यादा गॉर्जियस लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये वाला हैक हर उस लड़की को जरूर फॉलो करना चाहिए जिनके किसी भी ड्रेस का नेक डीप हो। ये वाला हैक हर ड्रेस के साथ नहीं जाएगा, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपके उस पर्टिकुलर टॉप के साथ जा रहा है या नहीं। तो ट्राई कीजिए, बताइए मुझे क्या आप अपनी प्राइम ड्रेस पहन पाए हैं मेरे इस हैक के थ्रू। दूसरा हैक, अगर आपका नेक बहुत ज्यादा डीप है और आप उसको रिवर्स करके नहीं पहन सकते, जो मैंने बोला ना हर कपड़े को रिवर्स करके पहनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे में या तो आप अपनी ड्रेस से मैचिंग का कोई कपड़ा ले लीजिए, और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है और मोजे हैं तो मैंने यहाँ पे ना सॉक्स ले लिया है। मैंने जो ड्रेस पहनी है यहाँ पे, इसके साथ ब्लैक सॉक्स परफेक्टली मैच करके जाता है, अच्छा लग रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सॉक्स लिया है और मैंने ना ये वाला मिरेकल टेप, इसको कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट टेप होता है, आगे पीछे दोनों तरफ गोंद लगा होता है इसके अंदर, और ये वाला गोंद स्किन को हार्म नहीं करता, ये स्किन के लिए ही होता है। तो मैंने उसको अपने स्किन के ऊपर यहाँ पे स्टिक कर लिया और यहाँ पे फिर मैंने सॉक्स को स्टिक कर लिया। एक बार सॉक्स को मैंने मिरेकल टेप से स्टिक किया तो कहीं नहीं हिलेगा और जितना भी क्लेवेज नजर आ रहा था वो सब ढक जाएगा कुछ इस तरीके से। और मैं अपनी वो ड्रेस नहीं पहन पा रही थी, हिचकिचा रही थी पहनने में, पहन सकती हूँ एकदम कंफर्टेबली। तो आप ये जरूर हैक ट्राई कीजिएगा, है ना सस्ता जुगाड़ू और बेहतरीन वाला है। आपने कुछ इस तरीके की ड्रेस पहन रखी है जिसमें आपको मन नहीं है कि आप उसको हाथ में कैरी करो या शोल्डर में पर्स कैरी करो, अगर आप मेरी तरह हो, क्योंकि मेरे को ना बैग कैरी करना पसंद नहीं आता, मेरे को फ्री घूमना बहुत पसंद है। तो आप अपने किसी भी क्लच या बैग को ना कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके कमर में ही बांध करके पहन सकते हो। और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी पुरानी जीन्स वगैरह होगी ना तो वहां बेल्ट डालने के लिए जो लूप आता है ना, उस लूप को निकाल लो और अपने बैग के पीछे इस तरीके से उस लूप को स्टिक कर लो और वहां पे कोई सा भी बेल्ट उसके अंदर डाल दो। इस तरीके से आप इसको जब कैरी करते हो ना, आपके हाथ फ्री हो जाते हैं, कमर में पर्स बंधा रहता है, आप मोबाइल पैसे वगैरह रखो और फ्रीली घूमो आजादी के साथ, जैसे मैं घूमना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा हैक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आजकल क्रॉप टॉप का ना बहुत ज्यादा फैशन है, तो अगर आपके पास कोई भी ड्रेस है उसको क्रॉप टॉप बनाना चाहते हो, मतलब बोर हो गए हो ना सेम लंबा टॉप पहन पहन करके, तो आप उसको ना अपने यहाँ नीचे से थोड़ा ब्रेस्ट के नीचे से कट कर दीजिए और बन गया आपका ये क्रॉप टॉप। मतलब थोड़ा रफ लुक देता है बट नॉट बैड, बट ये वाला हैक हर ड्रेस के साथ ही चलेगा। जो एकदम स्ट्रेचेबल कॉटन टाइप के जो टी शर्ट्स वगैरह होती है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से चल जाता है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। नॉट वाली टी शर्ट्स ना बड़ी ट्रेंड में है और देख करके बहुत गॉर्जियस लगती हैं। अगर आपके पास नॉट वाली ड्रेस नहीं है तो आप कुछ डीआईवाई कर सकते हो, कैसे, कुछ ऐसे। आप किसी भी लूज टी शर्ट को नॉट बना करके पहनते हो ना, बड़ा ही स्मार्ट लगता है यार, जरूर ट्राई कीजिएगा।
जितनी भी लड़की ऑफिस में जाती हैं या शर्ट वगैरह पहनती है ना, वो लोग समझ सकती हैं आने वाली प्रॉब्लम जो मैं भी बता रही हूँ। जब आपके ब्रेस्ट थोड़े हैवी होते हैं, आप बटन बंद करते हो ना, तो दोनों बटन के बीच में जो गैप होता है ना, वहां से आपका ब्रा सैंडो सब पीप थ्रू होता है, नजर आता है, बहुत ऑकवर्ड और बुरा लगता है। ये सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ होती है तो ऐसे में हम लोग सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। बट पता है क्या होता है, जब सेफ्टी पिन लगाते हैं ना तो थोड़ी सी नजर आती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आप परमानेंट जुगाड़ कर सकते हो कि वहां पे हुक लगा लो और हुक अंदर से बंद कर लोगे, बाहर से कुछ नजर ही नहीं आएगा। या तो आप हुक लगा लो, या फिर जो मिरेकल टेप अभी मैंने आपको दिखाया था ना, सेम टेप आप अपने शर्ट के बीच में लगा सकते हो और उसको सील पैक कर दो, एकदम छुप जाएगा सारा होल और आप कंफर्टेबली वो ड्रेस पहन सकते हो। अगर आप अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो ना, तो कपड़े ऐसे तैसे किसी भी कलर के हिसाब से मत रखो, कलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमेशा अपने वार्डरोब में अपने कपड़े डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क की तरफ बढ़ते हुए रेंज में जाना चाहिए। पहले एकदम डार्क कलर हैंग करो, फिर उससे लाइट 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 और फिर लाइटेस्ट कलर हैंग करोगे, तो आपके माइंड में पता रहेगा कि आज आपको अगर डार्क कपड़े पहने हैं तो किस तरफ है, लाइट कपड़े पहने हैं तो किस तरफ है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो। पूरे साल आपने कौन कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से नहीं पहने हैं, और अगर एक साल से एक कपड़ा नहीं पहन रहे हो तो डिस्कार्ड कर दो ना, किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी गरीब को दे दो, आपका भला उसका भला हो जाएगा। जितनी भी लड़कियों को ना इस तरीके के कपड़े पहनने पसंद है, या फिर आपका ऐसा सूट हो जिसमें नेक यहाँ तक नजर आ रहा होता है और आप जब ब्रा पहनते हो स्ट्रैप वाला और स्ट्रैप यहाँ से पीप करता है तो बड़ा गंदा लगता है ना, उसके लिए मैं आपको हैक बताऊं। तो जब भी आप टेलर के पास अपना सूट सिलवाते हो, या फिर अगर आपके पास जो भी टॉप ड्रेसेस कपड़े हैं उसके अंदर ना आप एक हुक बना सकते हैं कुछ इस तरीके का, तो इसके अंदर आप अपनी ब्रा को फिक्स करोगे और यहाँ से बंद कर दोगे, तो आपके कपड़े के साथ अटैच रहेगा आपका ब्रा और वो कपड़े से बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। ये वाला हैक अपने हर उस ड्रेसेस के साथ टेलर से करवा लो या खुद कर लो जिस ड्रेस में आपकी ब्रा की स्ट्रैप नजर आती है। अगला हैक बताने से पहले ये क्या है, ऐसा होता है ना कई बार मेरे साथ हुआ था, मैं ब्लॉग भी बना रही थी और तब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ड्रेस में से ही पीप आउट कर रहा है, और ये अक्सर शीन के कपड़ों में या मॉल से जो भी कपड़े लेती हूँ मैं उनमें ये होता है। पता है ये क्यों होता है, ताकि आपके कपड़े हैंगर में हैंग करके रख सके कुछ इस तरीके से, लेकिन जब आप ये कपड़े पहनने लग जाते हो और ध्यान नहीं देते हो और इस तरीके से पीप आउट कर रहे थे, सोचो कितना गंदा लग रहा है ये। सो गाइस, इस तरीके की एंबैरेसमेंट से बचने के लिए ना, जब भी आप नए कपड़े खरीदते हो तो इसको कट कर दिया करो। शूज खरीदने का बजट बहुत ज्यादा अगर आपके पास ना हो, एक या दो पैर ही अपने पास चाहते हो और कंफ्यूज हो कौन से कलर का मैं शूज लूं जो हर ड्रेस के साथ चला जाए, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, एक तो ब्लैक अपने पास रखो, ब्लैक मोस्टली सबके साथ चल जाता है, ब्राउन भी रख सकते हो, या फिर बेस्ट है न्यूड कलर। न्यूड कलर हर आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच हो जाता है, तो बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने कौन से कलर के साथ क्या शूज पहन लिए हैं, तो गो फॉर द न्यूड ब्लैक और ब्राउन कलर शूज खरीदने के लिए। गाइस, अगर आपके पास कोई बेल्ट नहीं है, चाहे वो कमरबंद हो या साड़ी पहनते हो, कोई ड्रेस पहनते हो, बेल्ट पहनना चाहते हो, आपके पास कोई अच्छा खासा बेल्ट नहीं है चेन वाला, तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो। आपके पास आई एम डैम श्योर इस तरीके के बैग्स तो होंगे ही ना, इन बैग्स के जो चेन होते हैं ना, ये चेन को निकालो बैग से और उसको एज अ कमरबंद साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर एज अ बेल्ट, अनगिनत तरीकों से आप यूज कर सकते हो। किसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने बैग का बेल्ट लिया है हैंग करने वाला, और नजर आएगा कि आपकी ड्रेस का ही ये एक पार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग हैक है, ट्राई जरूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हो ना, तो उसके साथ ना व्हाइट ब्रा मत पहनो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सी थ्रू हो जाता है। आप ग्रे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उस व्हाइट के साथ जाए तो, नहीं तो आप पहन सकते हो न्यूड कलर की ब्रा विद एवरी व्हाइट आउटफिट, दैट इज परफेक्ट ऑप्शन, गो फॉर दैट। तो ये तो थे कुछ फैशन DIY हैक्स, अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कौन सा हैक्स ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलते हैं एक और बेहतरीन एपिसोड में।